कांग्रेस के छत्तीसगढ़ में नए पायलट। सचिन पायलट प्रदेश प्रभारी बनने के बाद छत्तीसगढ़ के अपने पहले दौरे पर हैं। आज दूसरे दिन कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में प्लान 2024 पर मंथन किया, साथ ही पार्टी में अंतर्कलह को लेकर बड़ा बयान भी दे दिया। क्या कहा दिखाते हैं आपको। कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में प्लान 2024। सचिन पायलट ने चुनाव समिति की बैठक में मंथन किया है, साथ ही उन्होंने पार्टी में अंतर्कलह को लेकर कहा कि पार्टी में अंतर्कलह नहीं है। नेताओं में मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं है। लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका मिलेगा, वरिष्ठ नेताओं की सहमति से जीतने वालों को टिकट देंगे, लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा से पहले संगठन में नई नियुक्तियां संभव हैं, जरूरत होगी उन पदों पर नियुक्तियां दी जाएंगी। व्यक्तिगत राय हमेशा रहती है कि हमें नौजवानों को प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन मिनिबिलिटी एक क्राइटेरिया होता है। जो भी व्यक्ति सबसे उपयुक्त होगा आम राय से सर्वसम्मति से उस व्यक्ति को पार्टी अपना उम्मीदवार बनाएगी। हमारा देश चुनाव जीतना है, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय हमेशा से ये रही है कि नौजवानों को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। देश नौजवान है, छत्तीसगढ़ नौजवान है, मतदाता नौजवान है, तो नौजवानों को और मौके मिलने चाहिए। इसी मेरी व्यक्तिगत राय है, लेकिन मुझे लगता है सबकी सहमति से हम अच्छे निर्णय लेंगे। हर दल, हर पार्टी, हर परिवार में कहीं ना कहीं किसी बिंदु पर कुछ छोटा मोटा मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद किसी का नहीं है। मैं प्रदेश के तमाम नेताओं से व्यक्तिगत संपर्क में हूं और सबका एक ही ध्येय है, हम कैसे एकजुटता से लड़कर आगे बढ़ें, चुनाव जीतें और कांग्रेस को मजबूत करें। वहीं कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का पायलट भले बदल गया हो, गाड़ी वही पुरानी है। जनता कांग्रेस से दूर जा चुकी है, पायलट बदलने से कुछ बदलने वाला नहीं है। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक धरमलाल कौशिक ने पायलट के दौरे पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट जिस राज्य से आते हैं उस राज्य में कांग्रेस बुरी तरह हार जाती है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी सभी 11 की 11 सीटें जीतेगी। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल मोदी जी से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं और मोदी जी का विरोध करते करते ये देश और देशवासियों का विरोध करने लगे हैं। गाड़ी तो वही है, पायलट भी बदलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस जनता से दूर जा चुकी है। सपना देखते रहे, सचिन पायलट जिस प्रदेश से आते हैं, पिछली बार उनकी सरकार रही और उनका खाता नहीं खुला लोकसभा में, तो जो राजस्थान में लोकसभा में खाता नहीं खोल पाए वो छत्तीसगढ़ में क्या खाता खोलने की बात करेंगे। कांग्रेस में प्रत्याशी को लेकर के संकट की स्थिति है और प्रत्याशी तो किसी को भी बना सकते हैं, लेकिन वो देख रहे हैं जीत और हार की स्थिति। तो चाहे पीटे हुए चेहरे हो चाहे नए चेहरे हो, इस बार की लोकसभा के चुनाव में सभी पीटे हुए रहेंगे और उनके खाता नहीं खुलेगी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद शैलजा को हटाकर पार्टी ने पायलट को पार्टी की उड़ान की जिम्मेदारी दे दी है। सिर पर लोकसभा चुनाव है, अब देखना होगा कि पायलट का प्लान 2024 काम करेगा या फिर फेल होगा। इसके लिए इंतजार कीजिए, जनता किसका साथ देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। शिवराज सिंह चौहान का दर्द एक बार फिर छलका है। पुणे में आयोजित 13वीं छात्र सांसद को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुझे पूर्व मुख्यमंत्री कहा जाता है, लेकिन मैं रिजेक्टेड नहीं हूं। कई बार जब जनता नकार दे, गाली देने लगे, बहुत दिन हो गए यही बैठा हुआ हूं, अपन छोड़कर भी आए तो ऐसे आए जहां जाते हैं सब कहते हैं मामा मामा। फार्मर चीफ मिनिस्टर, लेकिन अपन रिजेक्टेड नहीं है। कई बार आदमी कब छोड़ते हैं, जब जनता नकार दे, लोग गाली देने लगे, बहुत दिन हो गया यही बैठा हुआ है, अपन छोड़ के भी आए तो ऐसे आए कि जहां जाते हैं लोग कहते हैं मामा 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 मामा। जनता का स्नेह और प्यार ये अपनी असली दौलत है, लेकिन छोड़ दिया इसका मतलब ये नहीं कि राजनीति नहीं करूंगा, अभी भी करूंगा, किसी पद के लिए नहीं,
राजनीति केवल पदों के लिए नहीं होती, राजनीति बड़े लक्ष्य के लिए, और उसी का आह्वान आपसे करने आया हूं।